अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबका खैर मकदम है 10 News 247 पर। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नज़र। बतारीख 23 जुलाई 2022 की शाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बांसवाड़ा की कामयाब नुमाइंदगी पर आज शहर बांसवाड़ा में उर्दू मीडियम डिग्री कॉलेज का परमिशन SRN के डिग्री कॉलेज में मिलने पर बांसवाड़ा मजलिसी अराकी ने स्पीकर पोचाराम का शुक्रिया अदा किया और उनकी गुलपोशी व शॉलपोशी की। मजलिस मुकामी सदर सईद खान ने सहाफियों से बात करते हुए क्या कहा, आइए देखें हमारे नुमाइंदे मिर्जा सुजातुल्ला की रिपोर्ट। 10 News 247 को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स का तेलंगाना का स्टेट हेड हूँ। हम ये महीने की 30 तारीख को, जुलाई की 30 तारीख 2022 को बरोज़ हफ्ता 10:30 से 4 बजे तक हम लोग एक जॉब फेयर कंडक्ट कर रहे हैं नवाब शाह आलम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मलकपेट में। आप लोग से अदबन गुजारिश है कि आप लोग इस जॉब फेयर में आइएगा। जो भी हजरात जॉब्स चाह रहे हैं, 100 से ज़्यादा कॉरपोरेट इसमें हिस्सा लेने वाले हैं, बैंकिंग, FMCG, रिटेल, मार्केटिंग, IT, कंप्यूटर साइंस और BPO और कई सारे शोबों में हम लोग यहाँ पे जॉब्स इंशाल्लाह आपको फराहम करेंगे। इसके अलावा भी हम लोग एक दिन पहले आप लोगों को फ्री ट्रेनिंग देंगे, जहाँ पे ये बताएंगे कि आप लोगों को इंटरव्यू कैसे कंडक्ट करना है, कैसे आप लोगों को अटेंड करना है। तो कोशिश करिएगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में 30 तारीख को इंशाल्लाह इस जॉब फेयर में आप लोग हिस्सा लें। नवाब शाह आलम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में ये जॉब फेयर किया जा रहा है एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स AMP की तरफ से। ये 30 तारीख को ये जॉब फेयर किया जा रहा है। ये 10:30 से 4 बजे तक इंशाल्लाह ताला 30 तारीख बरोज़ हफ्ता ये जॉब फेयर किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग जो है सो नवाब शाह आलम कॉलेज में एक जॉब ड्राइव कंडक्ट कर रहे हैं। हम लोग एसोसिएशन फॉर मुस्लिम प्रोफेशनल्स है, ये ऑल ओवर इंडिया हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग हर बड़े शहर में जॉब ड्राइव्स कंडक्ट कर रहे हैं। ये पिछले 2-3 महीने से कंटिन्यूस ये चल रहा प्रोग्राम हमारा। हैदराबाद के लिए नवाब शाह आलम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग हमारा टाइप हुआ है, वेन्यू पार्टनर्स है, और ये लोग के साथ हम लोग इंशाल्लाह 30 जुलाई को 10:30 से 4 बजे तक ये जॉब ड्राइव कंडक्ट हो रही है। इसमें हर किस्म से हर बैकग्राउंड के जॉब्स अवेलेबल है, और हमारी रिक्वेस्ट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ और ये जॉब इंटरव्यूज अटेंड करें। उमर रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आई एम द ETP कोऑर्डिनेटर फॉर द तेलंगाना रीजन। जो है हम तेलंगाना रीजन के जो ETP का मतलब है एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये वाले प्रोग्राम के अंडर में जो है हम 5 मॉड्यूल्स देते हैं जो कॉलेजेस में देते हैं, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को देते हैं, ताकि ये लोग जो है इंटरव्यू टेक्निक्स हासिल करें, कम्युनिकेशन स्किल्स हासिल करें, पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल्स हासिल करें और जॉब सर्चिंग स्ट्रैटेजीज़ में जो है ये लोग माहिर हो सकें। यहाँ पर जब हम जॉब फेयर के अंडर में करते हैं, जॉब फेयर और जॉब ड्राइव, इन दोनों से पहले हम लोग जो है ETP ट्रेनिंग के अंडर में एक हम लोग वेबिनार कंडक्ट करते हैं, और ये वाला फ्री दिया जाता है उन सारे स्टूडेंट्स को, लेकिन सारे कैंडिडेट्स को जो रजिस्टर करें। इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि कैंडिडेट रजिस्टर करें। इस पर्टिकुलर एक लिंक दिया गया है आपको, उस लिंक पर आपको जाकर कैंडिडेट को अपना रेज्यूम वगैरह सब कुछ अपलोड करना है और अपना फ़ोन नंबर अपलोड करना है, जहाँ पर हम उनको जूम लिंक भेजेंगे एक दिन पहले, जिसमें इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स आपको सिखाएंगे कि इंटरव्यू कैसे अटेंड करना है, जैसे इंटरव्यू में क्या पहनना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होगा। 1-1.5 आवर का आपका सेशन होता है। इस पर्टिकुलर सेशन में खास बात यह है कि आप इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट आपके साथ उस दिन वेबिनार में होंगे, आप उनके साथ इंटरेक्ट भी कर पाएंगे। 15 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, जिसमें आप अपने सवाल पेश करके आप अपने जो है डाउट्स वगैरह को क्लियर कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी इंटरव्यू में आपकी बहुत मदद हो जाएगी, स्पेशली उनको जो फ्रेशर्स होते हैं, उनको पता नहीं होता कि इंटरव्यू में कैसे सवाल करते हैं, कैसे बैठना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, भी कई बच्चों को पता नहीं होता है। तो ये सारी सब कुछ हम जो है आपको एक दिन पहले आपको ये सब कुछ सिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, हेलो एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं 10 News 24x7। इसको YouTube पर सब्सक्राइब करिए, लाइक, कमेंट, शेयर करिए, ताकि नए नए अपडेट्स आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम।